कोठी पैलेस स्थित कार्यालय पर कार्यभार संभालते ही एडीएम ने जिले के 197 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को 43 लाख रुपए की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ये विक्रेता राशि जमा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। एडीएम ने मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कार्य में गति लाने के साथ ही पुराने कार्य जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। पाया गया है कि 2011 से आज तक लगभग 197 लोगों ने 43 लाख रुपए की राशि जमा नहीं कराई है, उसकी वसूली की हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें प्रोविज़न है कि जो व्यक्ति राशि जमा नहीं करता है उसके लाइसेंस को निलंबित भी किया जाता है, वो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ।